देखिए, जो भी नियुक्ति वहाँ पे की गई, एक तो ये स्पष्ट कर दूँ कि वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, दूसरा वो नियमानुसार हुई है। अब उसमें अपनों की पराए की ये बात मेरी समझ में क्यों कह रहे हैं? यदि मान लिया कोई व्यक्ति नियमानुसार उस परिधि में आ रहा है तो उसको नियुक्त किया गया है, लेकिन विज्ञप्ति नहीं निकाली गई और जितने भी लोग हैं आपके कई मंत्रियों के पीआरओ हैं उसमें आपको 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 मैं आपको एक जानकारी दे दूं, ये पहली बार हुआ ऐसा नहीं है, आज से पहले भी हुआ, 2002 से विधानसभा गठित है तब से लेकर आज तक हुआ है, पहली बार। दूसरी बात यह है कि आवश्यकता अनुसार यदि जब किसी माननीय अध्यक्ष को लगता है कि उसमें मैन पावर की आवश्यकता है तो वो नियुक्त करता है, उसी आधार पर इस बार भी हुआ। और विज्ञप्ति की जहाँ तक बात कर रहे हैं, 21 साल के इतिहास में पहली बार उत्तराखंड की विधानसभा में एग्जाम कराया गया, लेकिन भर्ती तो नहीं हुई। अभी आप सुन तो लीजिए भाई साहब, यदि आप ही को जवाब सवाल करने से मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में एग्जाम हुआ है। बाकायदा उसका जो 8000 के लगभग हमारे अभ्यर्थी थे उनके एग्जाम होने के बाद मुझे जो जानकारी मिल रही है, शायद कोई व्यक्ति हाई कोर्ट गया है, हाई कोर्ट के कारण वो विषय रुका है, वो प्रश्न पत्र जिन्होंने हल किए हैं वो बाकायदा स्ट्रांग रूम में हैं अभी, तो इसलिए उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि हाई कोर्ट का मामला है। तो ये पहली बार हुआ है। मंत्री जी, आपने कहा कि इससे पहले भी भाजपा सरकार नहीं, मैंने कब कहा उन्होंने भ्रष्टाचार किया? आपने कहा पहली बार नहीं हुआ है, तो यही कहा ना मैंने, भ्रष्टाचार तो नहीं कहा ना। आप अपने आप अपने मुंह से निकालेंगे शब्दों के भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार बताइए कौन सा भ्रष्टाचार हुआ? 72 लोगों में नहीं रखा गया ना, कौन सा भ्रष्टाचार हुआ बताइए ना? मंत्रियों के पीआर बिल्कुल रखे गए, आप बताइए ना कौन सा भ्रष्टाचार से रखे गए वो? ये मैंने कहा ना नियमानुसार, आप जानकारी लीजिए। 27 दिसंबर 2021 को ज्वाइनिंग हुई, 5 महीने बाद वो तनखा लेते हैं, मार्च 30 अप्रैल से 30 मार्च से 29 तारीख को आपको पोर्टफोलियो मिलता है वित्त का, तो आपके वित्त मंत्री के बनने के बाद ही इनको वित्त की अनुमति कैसे मिलती है? ये विधानसभा जवाब देगा क्योंकि ये विधानसभा का क्या पूर्व वित्त सचिव अमित नेगी ने सिग्नेचर नहीं किए थे सर? ये विधानसभा, अब ये विधानसभा जवाब देगा। अच्छा सर, पूर्व मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कहीं गलती है कोई? एक पूर्व मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि उनके पास फाइल नियुक्ति को लेकर फाइल आई थी लेकिन उन्होंने उस पर साइन नहीं किए थे क्योंकि वो त्रिवेंद्र रावत जी को भी जानकारी होनी चाहिए कि एग्जाम की बात हमने कही है, एग्जाम कराया है, और एग्जाम यदि हाई कोर्ट में, मैंने कहा ना आपको, हाई कोर्ट में यदि वो लंबित है तो उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? हाई कोर्ट निर्देश है, कॉपी रखिए, उसमें उसका निर्णय आ जाना चाहिए। ये 72 लोग रखने की ऐसी क्या जरूरत थी? उत्तर प्रदेश की विधानसभा हमसे कई गुना बड़ी है, उनकी संख्या कार्मिकों की हमसे कम है, हमारी इतनी ज्यादा है। आपने कहा ये तदर्थ है, इनको पहले दिन से सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आपको फिर मैं कह रहा हूँ कि आवश्यकता अनुसार जब भी आवश्यकता होती है विधानसभा अध्यक्ष उस आधार पे उनकी मैन पावर को रखने का उसको अधिकार रखते हैं। सर सर, जांच होनी चाहिए। 72 लोग भर्ती हुए थे, मेरा कहने का मतलब है कि आप उस समय अध्यक्ष थे, ये 72 लोगों के लिए जैसे आपने 35 लोगों के विज्ञप्ति निकाली, उनके लिए विज्ञप्ति निकाली थी या फिर इनको कैसे भर्ती? टेम्परेरी अरेंजमेंट है, मैंने कहा ना आपको कोई विज्ञप्ति नहीं, इसमें विज्ञप्ति लगाने का कोई मतलब नहीं है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है। टेम्परेरी अरेंजमेंट वालों को Type 2, Type 3, Type 4 के मकान भी दे दिए गए। नहीं, वो मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, तो उसकी मुझे जानकारी उसकी जांच की आवश्यकता है, देखिए मैंने क्या कहा, सब नियमानुसार हुआ है तो अब जांच का विषय कहाँ से आता है? नियमानुसार क्या है? टेम्परेरी अरेंजमेंट है, आवश्यकता जब प्रतीत किया जाता है। हमारे यहाँ गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, यदि वहाँ मैन पावर की आवश्यकता है तो क्या करेंगे हम? एग्जाम का वेट करेंगे? आवश्यकता पड़ेगी करेंगे ना, अधिकांश लोग वहाँ पे हैं। सर, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आपके आपके पीआरओ और आपके भी कई करीबी लोगों के संबंधी। अरे भाई मैंने ये नहीं कहा कि कोई नहीं है, है ना, लेकिन सब नियमानुसार हुआ है बस। मंत्री जी, सचिव की नियुक्ति आपको गलत नहीं लगती है? 1 साल में 3 प्रमोशन मिल जाते हैं। नवंबर 2021 तक वो डिप्टी सेक्रेटरी थे शोध के, ठीक है, दिसंबर में वो एडिशनल भी हो जाते हैं, जॉइंट भी हो जाते हैं, सचिव भी हो जाते हैं, ठीक है, शिथिलता अधिकार है अध्यक्ष विधानसभा को, शिथिलता का अधिकार के नाते उनको दिया है। फाइनेंस कंट्रोलर क्यों नहीं रखा सर जब शासन ने भेजा था? वो विधानसभा से पूछे। मंत्री जी राजनीति सुनिए तो, राजनीति में नैतिकता एक बड़ी चीज होती है, ऐसी नैतिकता आपको लगता है कि मंत्रियों या उनके उनकी जगह सीधे रूप से आप लोग भर्ती करते हैं स्वच्छ रूप से? भैया मैंने फिर कहा नियमानुसार भर्ती हुई है तो बार बार एक ही सवाल का जवाब दिया, समर्थन करेंगे आप ये नियमान ये
नियमानुसार भर्ती हुई है और निश्चित रूप से नियमानुसार भर्ती हुई है। नियमानुसार ये है ना, यदि आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप उनको अपने तरीके से जो उसकी योग्यता उसके आधार पर निकालने की जरूरत पड़ती है। विज्ञप्ति निकाली है, जिसका एग्जाम कराया गया है वो तो भर्ती हुए नहीं, नहीं तो वो एग्जाम हाईकोर्ट में लंबित है ना। कहां से भर्ती हुए सर? भर्ती मैंने कहा ना, टेम्पररी अरेंजमेंट। नहीं है, वो अलग बात विषय है।